lovelies, so welcome back to my channel, and as you know, it's me, Jayeeta. So in my today's video, I'm going to recreate this Jannat Zubair inspired makeup within 200 rupees only. So yeah, without further ado, let's get started. So first of all, I'm starting with Good Vibes Tea Tree and Papaya Oil Control Serum. If you don't have a serum, then you can use a face toner also. So now I'm just gently massaging the serum on my skin with my fingertips. Next, I'm going to apply a moisturizer, and for this purpose, I'm using the Ayu Herbals Moisturizer. आज मैं कोई अलग से primer तो नहीं use करूँगी, so इसलिए I'm just applying the moisturizer as the primer. Next, I'm going to apply a BB cream, and this is the Pond's BB cream, and I have in the shade medium. तो सबसे पहले मैं इसको अपनी पूरे face and neck पर dot dot करके apply करूँगी, और उसके बाद अपनी fingers के help से अच्छे से blend कर दूँगी. Within 200 rupees, आपको बहुत सारे foundation का option मिल जाएगा, लेकिन अगर आप BB cream apply करना चाहते हो, then I suggest you to use this Pond's BB cream because this is just great. So as you can see, now I'm applying a concealer to conceal my face a little bit more. But मैं बहुत ज़्यादा concealer नहीं use करूँगी, बस अपनी eyelids पर as a eyeshadow primer and जहाँ-जहाँ थोड़ा सा pigmentation और discoloration है, वहाँ पर concealer use कर रही हूँ. And this is the NYB concealer. इसका price under 200 rupees है. And जब discount चलता है, तो price और भी ज़्यादा कम हो जाता है, like 120 or 140, like this. Next, to fill in my brows, I'm using this Lakme eyebrow pencil in the shade black. And इसका price है near about 50 rupees. And मैं जो भी products आज use कर रही हूँ, सबका price under 200 rupees ही है. Next, एक spoolie की help से अपनी brows को थोड़ा सा comb कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, एंड इसका प्राइस है 165 रुपीज़. एंड इसमें से वो ट्रांजिशन शेड को लेकर मैं अपनी क्रीज पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एज यू कैन सी. नेक्स्ट मैं उसे सेम पैलेट से उस रेडिश ब्राउन आई शेडो को लेकर अपनी क्रीज पे एंड धीरे धीरे पूरे आईलिड्स पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. उसके बाद उसी सेम पैलेट से मैं उस डार्किश ब्राउन शिमरी शेड को लेकर अपनी फिंगर्स के हेल्प से आईलिड्स के सेंटर में धीरे धीरे प्लेस कर रही हूँ. अब इस व्हाइटिश न्यूड शेड को लेकर अपनी ब्राउ बोन्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूंगी एक फ्लैट ब्रश की मदद से. देन सेम ट्रांजिशन कलर को लेकर अपनी लोअर लैश लाइन पे प्लेस करूंगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से. नेक्स्ट फॉर द काजल, आई हैव टेकन द स्टेक वेयर की बैडेस्ट काजल, एंड इसका ओरिजिनल प्राइस है 125 रुपीज, बट डिस्काउंट में हमेशा 100 रुपीज के नीचे ही इसको मिल जाता है purple.com पर. तो इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे एंड अपनी अपर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, एंड काजल लुक को मैं थोड़ा सा बोल्ड रखूंगी क्योंकि जन्नत ने भी कुछ ऐसा ही किया था उसकी लुक में. अभी आईलाइनर के लिए एक पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ, एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड APK, एंड इसको मैंने एक लोकल मार्केट से ख़रीदा था, एंड इसका प्राइस था 150 रुपीज़, एंड दिस इज़ वेरी गुड आईलाइनर. एक्चुअली दिस इज़ अ पेन लाइनर. नेक्स्ट फॉर द मस्कारा, आई हैव टेकन द ब्लू हेवन मस्कारा, एंड इसका प्राइस है ओनली 100 रुपीज़, बट दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. मैं बाद में फॉल्सेस तो अप्लाई करूँगी, लेकिन पहले मैं मस्कारा से अपनी आई लैशेज को थोड़ा सा कोटिंग कर रही हूँ. नेक्स्ट कॉन्ट्रोरिंग के लिए मैं NYB का कॉन्ट्रोरिंग स्टिक यूज़ कर रही हूँ. इसमें मेरा शेड है 7, एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है. मैंने ऑफ़र में ख़रीदा था, तो मुझे बस 86 रुपीज़ पे करना पड़ा इस प्रोडक्ट के लिए. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एंड NYB का सारे प्रोडक्ट्स आपको purple.com पर मिल जाएगा. तो अभी मैं इसको ब्लेंड करने के लिए एक फ्लफ़ी ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ. ये फ्लफ़ी ब्रश का जो सेट है, इसको मैंने अमेजोन से परचेस की थी, एंड ये भी काफ़ी अच्छा है. जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, सभी 200 रुपीज़ के अंदर ही है, एंड सभी का नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूंगी. नाउ फॉर द ब्लश, आई हैव टेकन द लैक्मी क्रेयॉन पेंसिल. सभी को तो पता ही है इसके बारे में. तो इसको मैं एज अ ब्लश, एज अ क्रीम ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, एंड एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, एज यू कैन सी.
एंड इसका प्राइस है 150। नेक्स्ट अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए एंड पूरे मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज द मेबेलिन कॉम्पैक्ट पाउडर एंड आई हैव इन द शेड अ शेल। नेक्स्ट मैं मालियाओ का लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है एंड इसका प्राइस है ओनली 150 रुपीज़। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं एक लोकल स्टोर से इसको ख़रीदा था एंड आई डोंट नो कि ऑनलाइन आपको ये मिलेगा या नहीं, बट लोकल स्टोर में मिल जाता है एंड दिस इज़ वेरी गुड एंड ब्लाइंडिंग हाइलाइटर यू नो। बस थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा और बहुत ज़्यादा चमक धमक आ जाएगा चेहरे पर एंड आई रियली लाइक इट। वाटरप्रूफ नहीं है बट लॉन्ग लास्टिंग है। इसी सेम हाइलाइटर को मैं लिक्विड हाइलाइटर को मैं अपनी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ एंड इसी सेम प्रोडक्ट से मैं अपनी इनर कॉर्नर्स को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी एज यू कैन सी। नेक्स्ट लिप्स के लिए मैं एक 30 रुपीज़ का जो नॉर्मल लिप लाइनर आता है उसी को यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे इसका नेम ठीक से याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर मेंशन कर दूँगी। नेक्स्ट मैं हुडा ब्यूटी का, दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल हुडा ब्यूटी लिपस्टिक, दिस इज़ द फेक हुडा ब्यूटी लिक्विड लिपस्टिक एंड इसका प्राइस है 70 रुपीज़। तो इसको मैं अभी लगा रही हूँ। सो अभी मैं अपनी DIY सेटिंग स्प्रे से अपनी फेस को थोड़ा सा सेट कर लूँगी एंड उसके बाद बस आईलैश लगाना बाकी है एंड अभी मैं अपनी फॉल्स लैशेस को अप्लाई कर रही हूँ एंड आफ्टर दिस माय फाइनल जन्नत जुबैर इंस्पायर्ड लुक विल बी रेडी। या दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले एंड अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो ज़रूर रेड सब्सक्राइब बटन जो है उसको हिट कर देना एंड उसके पास जो घंटी है उसको भी हिट कर देना ताकि आप मेरे वीडियोस कभी ना मिस कर पाओ। लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो पर बट अभी के लिए बाय।